अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ब्लॉग्स एंड रिव्यू। और आज मैं लेकर आई हूँ एक फूड वीडियो फिर से जाजमऊ की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कुछ रीसेंट वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, और हो भी सकता है क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ मैंने वो वीडियो बनाई नहीं। मेरी एनर्जी में आपको कुछ कमी लग रही होगी इसी वजह से। एक्चुअली कुछ घर में जो है हेल्थ इशू चल रहे थे, तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी मैं, अच्छे से चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इस वजह से आपको भी वीडियो में वो बात नहीं लग रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आप लोग को संडे संडे एक अच्छी वीडियो दे पाऊँ। और आप लोग भी सपोर्ट करते हो मेरी, अगर कोई वीडियो अच्छी होती है तो आप लोग डेफिनेटली सपोर्ट करते हो। मेरी मून एंड मार्स वाली वीडियो पे आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो बहुत होगी बातें, मैं अब बात करती हूँ। मैं आई थी 208010 रेस्टोरेंट में, यस नाम यही है 2080-10, और ये जाजमऊ में रेस्टोरेंट एंड कैफ़े के नाम से है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, बट हाँ फैमिली के लिए सेपरेट आपको दिया हुआ है पोर्शन। आप देख रहे होंगे ये दो पोर्शन फैमिली के लिए है, यहाँ पे सेपरेटली आपकी फैमिली बैठ सकती है, और उस साइड पे आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिसके साथ आना चाहते हो उधर भी इंजॉय कर सकते हैं फूड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है खाने में। तो भाई यहाँ पे तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आप देख रहे होंगे कि मेन्यू कार्ड में सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन दिए हुए हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और फिर भी चलो अब आ गए थे तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं तब उसी में से हमें कुछ ऑर्डर करना होगा, और ऑर्डर करके आपको यहाँ का फूड का रिव्यू मैं आपको देती हूँ। तो भाई हम सोच रहे थे क्या ऑर्डर करते हैं क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। तो उसमें से जो है ज़्यादा, अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, एवरेज प्राइस है। मेन्यू में भी जो चीज़ें लिमिटेड हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हैं, उसके प्राइस जितने भी हैं बहुत ही एवरेज से प्राइस हैं, बहुत हाई फाई नहीं है। यहाँ पे टिमटिम को अपना एक बढ़िया सा एंटरटेनमेंट मिल गया था, तो ये उनसे बिजी हो गई थी, तो हम लोग को थोड़ा ईजली हम लोग ने ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे रोस्टेड टंगड़ी, चिकन टंगड़ी ऑर्डर करी थी हमने। तो यहाँ पे हमें 5 पीस ऑफ लेग पीस मिले थे, भाई हमारा मुर्गा 5 टांगों वाला था और हम लोग को 5 पीस मिले थे। और इसका प्राइस भी आपने देखा होगा, अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि इसका प्राइस क्या है। तो टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा होगा, बट ऊपर से था लजीज बट अंदर हल्का सा कच्चा था, और अंदर वो टेस्ट मसाले का टेस्ट जो अंदर तक आता है उस तरह से नहीं आ रहा था। ऊपर से था कि हाँ ओवन कर दिया है, अच्छे से इसको रोस्ट कर दिया है तो क्रिस्पी हो गया था, क्रीम वगैरह डाल दी गई थी, पर अंदर से जो ये पका नहीं था, कच्चा था, मसाला भी नहीं था अंदर, तो ये मुझे एवरेज सा लगा। उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया था मेन कोर्स में, ये था चिकन हैदराबादी। तो चिकन हैदराबादी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इससे पहले एक्चुअली हमने कुछ और ऑर्डर किया था, वो था नहीं, तो यहाँ पे बताया मैंने बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे और उसमें भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमें लास्ट में बस यही ऑप्शन बचा कि चिकन हैदराबादी था। तो हमने सोचा चलो भाई यही ट्राई कर लेते हैं। तो ग्रेवी इसकी स्पाइसी बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी मीठी मीठी सी लग रही थी इसकी ग्रेवी। और जो इसके पीस थे चिकन के, तो ये मुझे खाने में पहले थोड़े से अजीब लगे, तो फिर मैंने अच्छे से ग्रेवी हटा के देखा, तो इसमें जो है आपको जो चिकन के पीस होते हैं उसमें बेसन की कोटिंग की हुई थी, फ्राई करके फिर इसमें ग्रेवी में डाला गया था, तो इस वजह से मुझे मज़ा नहीं आया, थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था तो मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया। उसके भी प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। एंड लास्ट जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी, बिरयानी। यहाँ पे मैंने सुना था कि बाबा वालों की ही बिरयानी अवेलेबल है, या तो हो सकता है कि उनके कुक यहाँ पे बना रहे हों, इस तरह की र्यूमर्स आई थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि बिरयानी है कि नहीं। तो एक्चुअली मैं बिरयानी बाबा वालों की ही थी, टेस्ट बिल्कुल सिमिलर ही आ रहा था बाबा बिरयानी का, तो भाई इसी वजह से मैं आई थी। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी ही मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, बाकी मेन कोर्स और जो स्टार्टर था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और प्राइस तो एवरेज था ही, तो लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद आया। बात प्राइस की नहीं होती, बात टेस्ट की होती है, टेस्ट अच्छा होता है तो आपको प्राइस थोड़े हाई फाई भी होते हैं तो चल जाता है, बट
टेस्ट ही अच्छा ना हो तो सस्ता खाना खाने से क्या फ़ायदा। बट बिरयानी अच्छी थी, अगर आपको बिरयानी सिर्फ बिरयानी खाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लास्ट में हमने ऑर्डर करा था ये शाही पीस, तो शाही पीस का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, देसी घी के फ्लेवर्स आ रहे थे, स्मेल आ रही थी, देसी घी का बना हुआ था और इसके प्राइस थे 70 रुपीज़ और बहुत ज़्यादा मीठा था, इसलिए मैं तो ज़्यादा मीठा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो टिमटिम और हसीन ने इसको खूब इंजॉय किया, बहुत टेस्टी भी था, मैंने एक बाइट खाई थी तो ये भी अच्छा था 70 रुपीज़ में। बट एक चीज़ मैं बताऊँगी कि मुझे यहाँ पर 2-3 चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि रोटी भी फ्रेश नहीं थी, ओवन करके ही दिया गया था और लास्ट में जब मैंने शाही पीस खाया था तो उसको सेम उसी प्लेट में ओवन किया गया था, तो प्लेट इतनी ज़्यादा गर्म थी कि उससे बच्चे जल सकते थे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसी चीज़ें। बाकी आज का मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज लोग बिल्कुल भी अब कॉमेंट नहीं करते हो, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो अच्छा पढ़ के अच्छा लगता है, मोटिवेट होती हूँ और अच्छी आगे और वीडियो बनाऊँगी मैं। तो प्लीज़ संडे संडे को मेरी वीडियो का इंतज़ार किया करिए और मैं सरप्राइज़ वीडियो भी लाती हूँ, तो मैं जल्दी कोई अच्छी सी सरप्राइज़ वीडियो भी लाऊँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।